सीधी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया और भाजपा पर तीखा हमला बोला। सीधी लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, सिंगरौली जिले के कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी, शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल, राम अशोक शर्मा के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के बाद वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल व कमलेश्वर पटेल ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर तीखा हमला कर बोला कि जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। कई ऐसे उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी ने पहले महाजन आयोग बनाया था, 14% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया था, जब उच्च शिक्षा मानव संसाधन मंत्री थे पूरे देश में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम किया था, पंचायतों में 27% आरक्षण, 26% के आसपास पंचायत एक्ट में ओबीसी को आरक्षण था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी 14% से 27% हम लोगों ने आरक्षण किया था, छीना किसने? भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। तो ओबीसी के लोग तो साथ आएंगे ही, पर कांग्रेस पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। व्यक्ति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो कौन से आधार पर कह रहे हैं कि तीन डालना शुरू है? वोटिंग लगाने भर से लाख में वोट नहीं मिलते, साधन विहीन है, हमारे खाते बंद कर दिए गए हैं इनकम टैक्स विभाग से पार्टी के, उसके बावजूद जनता की लड़ाई रहेगी। मानिक सिंह के चुनाव में एक एक कार्यकर्ता ने मोर्चा संभाला था, उसी तरह इस चुनाव को भी देखिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।